नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 खबरों में। रूसी स्पुतनिक कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज भारत में करीब 1000 रुपए की पड़ेगी। भारत में स्पुतनिक का आयात करने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने यह जानकारी जो साझा की है। कंपनी ने कहा कि इस टीके को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज से जरूरी मंजूरी मिल गई है। इस टीके को डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में आयात किया है। आपको बता दें कि इस टीके की 2 डोज लगवानी जरूरी है। कंपनी ने बताया कि इस वैक्सीन की 1 डोज के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य 948 रुपए है, जिस पर 5% का GST लगेगा, यानी कि टीके की 1 डोज करीब 1000 रुपए में पड़ेगी। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने इस वैक्सीन की सॉफ्ट लॉन्चिंग करते हुए हैदराबाद में एक व्यक्ति को इसकी पहली डोज भी लगाई गई। स्पुतनिक वी के ट्विटर अकाउंट में एक ट्वीट भी बताया गया है, भारत में स्पुतनिक वी की पहली डोज लगाई गई है। इस टीके को डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में आयात किया है। रूस से वैक्सीन की खेप 1 मई को ही भारत पहुंच गई थी। इस टीके को कल सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटरी कसौली से भी मंजूरी मिल चुकी है। अभी टीके को और भी खेप आयात होगी, लेकिन आगे इसे भारतीय साझेदार कंपनियों के द्वारा ही उत्पादित किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि आगे जब ये टीका भारत में बनने लगेगा तो इसके दाम कम हो सकते हैं। कंपनी भारत में 6 टीका बनाने वाली कंपनियों से इसके उत्पादन के लिए बात कर रही है। आपको बता दें कि नीति आयोग के एक सदस्य ने दावा किया है कि इस साल दिसंबर तक देश में कोविड-19 वैक्सीन की 200 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हो सकती है। और इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर अशोक सरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंबाला IIM के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सरवाल साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि आज एक बड़ी खुशखबरी है देश के लिए, रूसी जो वैक्सीन है स्पुतनिक भी, उसकी इजाजत मिल चुकी है और पहला डोज भी लग चुका है, सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, ये 1 मई को इंडिया में पहुंच गई थी रशिया से, और हमारे जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कमी पड़ रही थी, तो इसके ये आम लोगों को लिए अच्छी साबित होगी, आम लोगों को और हम वैक्सीन इलेक्शन कर सकेंगे। लेकिन साथ में सर, क्या लगता है कि ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था? बहुत पहले ही हमें ये फैसला कर लेना चाहिए था कि देश में जब इतना बड़ा देश है तो सिर्फ 2 कंपनियां इतना उत्पादन नहीं कर पाएंगी, तो और कंपनियों को हमें इजाजत देनी चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये अभी तो रशिया से बन के आई है, और जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि जुलाई से इंडिया में भी ये बनने लगेगी, और उसके बाद जैसे अभी इसकी कीमत 995 रुपये तय की गई है, हालांकि कुछ सरकारें इसको फ्री भी लगाएंगी, और देखा जाए तो ये फिर उसके बाद इसकी कीमत और कम हो सकती है जब यहाँ इंडिया में बनने लग जाएगी। लेकिन साथ में डॉक्टर अशोक, ये बात और हम समझने की कोशिश करें, क्या लग रहा है कि ये काफी होगा देश के लिए, या इसके अलावा और भी जो बाकी वैक्सीन है जो बाकी की दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी इजाजत देने की जरूरत है और भारत को? नहीं, ये तो बहुत कम रहेगी इंडिया के लिए, पर फिर भी जो चलो जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कमी आ रही थी तो उसके लिए ये हेल्पफुल होगी आम लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए, पर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी इंडिया में। जैसे कि नीति आयोग के एक सदस्य ने कल बता रहे थे 200 करोड़ से ज़्यादा दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीनेशन तैयार हुई, उसमें से सारी वैक्सीन आएंगी, कुछ और कंपनीज की भी आएंगी, कोविशील्ड कोवैक्सीन स्पुतनिक जाइडस कैडिला कुछ बना रही है, कुछ नेजल वैक्सीन आएंगी, तो ऐसी मिलके ये सारी टोटल मिला के ये 216 करोड़ होएंगी, तो उसके बाद जाके कहीं जाके इंडिया में इसकी पूर्ति हो सकेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि लोगों के जहन में एक सवाल है कि वो कोवैक्सीन लगवाएं, कोविशील्ड लगवाएं या फिर स्पुतनिक वी लगवाएं, तीनों में से कौन सी सबसे अच्छी है, कौन सी किस वैक्सीन का ज्यादा असर होगा, लोगों के मन में इस तरह के सवाल हैं, सर क्या कहेंगे सर? देखो देखो, इसके बारे में लोगों को नहीं सोचना चाहिए, जो कि उनको अवेलेबल हो रही है, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो, ये सभी ठीक है, थोड़ा बहुत इनका फर्क है, कोई 85% को 90% है, कोई 78% है, कोई 70% है। अब ये तो मतलब इस दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए, जो भी वैक्सीन मिलती है जल्दी से जल्दी लगवाए। लेकिन एक बात और हम समझें कि मानकर चले कि किसी शख्स ने पहली डोज जो है वो कोवैक्सीन की ले ली है, दूसरी डोज उसने कोविशील्ड की ले ली या फिर स्पुतनिक वी की ले ली, तो क्या किसी तरह की कोई खतरे की बात है या इस तरीके से नहीं करना चाहिए? ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो पहली डोज ली है दूसरी वही डोज लगवानी चाहिए, तभी उसका फायदा रहेगा। ऐसा नहीं है अभी पहले कोवैक्सीन लगवा ली उसके बाद कोविशील्ड लगवा ली या स्पुतनिक लगवा ली, ये बिल्कुल गलत बात है,
जो एक पहले वैक्सीन लगी है दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लगनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि भारी संख्या में जो लोग हैं उत्साहित हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेशन का अपना इंतजार कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की शिकायत यह है कि उन लोगों का वैक्सीनेशन दूसरी बार हो नहीं पाया है, यानी कि जो तारीख उनको मिली थी वो जब वहाँ पर सेंटर्स पर पहुँचते हैं उस वक्त उनका वैक्सीनेशन हो नहीं पाया। अब लोगों को डर ये सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो पहली वैक्सीन लगी थी, पहली डोज लगी थी, कहीं उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, कहीं उसका असर जो है वो कम हो जाए, कहीं दोबारा से हमें पहली डोज लगानी ना पड़ जाए, इस तरह के लोगों के मन में संशय के सवाल है। नहीं देखो, जैसे कोविशील्ड शुरू में आई थी तो कहते थे 28 डेज के बाद, तो 4 हफ्ते के बाद लगवानी है। अब ये आ गया गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी, 12 से 16 हफ्ते के तक भी लगवा सकते हैं। तो इसलिए उनको, जो जिन्होंने तो कोविशील्ड लगवाई है उनको तो बिल्कुल घबराने की जरूरत है ही नहीं है। हाँ, कोवैक्सीन जिन्होंने लगाई है उसका भी टाइम इंटरवल उन्होंने 4 से 6 हफ्ते तक कर दिया है। अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है तो लगवानी जरूर चाहिए, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। अभी बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं तो उससे भी और लगवानी नहीं हुई चाहिए जो पहले लगी है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये डोज जो हैं, जैसे कि कोरोना वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, कोवैक्सीन की हम बात करें, कोविशील्ड की हम बात करें, दो दो डोज लग रहे हैं। स्पुतनिक वी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी क्या दो डोज लगेंगी, और ये दो डोज के पीछे क्या वजह क्या है, रहस्य क्या है, ताकि लोग भी आसानी से समझ पाए। नहीं नहीं देखो, दो डोज तो अभी एक वैक्सीन लगती है तो उसकी बूस्टर डोज तो लगानी पड़ती है। अगर एक डोज से इम्यूनिटी बनती है वो पूरी नहीं बनती है, और दूसरी डोज से थोड़ा और एंटीबॉडीज फाइट करने के लिए डिजीज को बॉडी में बनती है, तो इसलिए दूसरी डोज लगानी पड़ती है। हाँ, कुछ वैक्सीन आई हैं जो कि सिंगल डोज भी है, पर वो अभी इंडिया में नहीं अवेलेबल, नेक्स्ट फ्यूचर में आ जाएंगी। पर अगर जैसे जैसे दो डोज की शेड्यूल है तो उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी डर के साए में हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को गुमराह करने का एक ट्रेंड लगातार जारी है। कुछ लोगों का दावा यह है कि इस वैक्सीन को उन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, ऐसी ऐसी बातें जो लोगों के मन में डाली जा रही हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आपके चैनल से लोगों को रिक्वेस्ट अपील करता हूं कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, इन भ्रमों में ना चलिए भी ये ऐसे करेगी या कोई शराब। जो भी कोई व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, वो डोज हर एक बंदा लगवा सकता है, ऐसा कोई नहीं है, कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू कंडीशंस। बाकी तो आजकल तो प्रेग्नेंट मदर्स में भी वैक्सीन को लगाने के लिए सेफ माना गया है। और मेरी तो आम जनता से यही अपील है भी आप वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, इस महामारी के बचने के लिए एक ही एक रामबाण है जो वैक्सीन है। अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, सब दवाइयां जो है ओनली सपोर्टिव है। डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर रोज गाइडलाइंस भी सरकार की आती रहती होंगी, आईसीएमआर के जो निर्देश हैं वो भी आपके पास आते रहते होंगे, आपका खुद का ऑब्जर्वेशन भी जो आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि एक सवाल जो लोगों के मन में है कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो नपुंसक हो जाते हैं कुछ समय के लिए, इस तरह की स्थिति मन में लोगों के बहन में है, बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं। नहीं देखो, हम तो मेडिकली स्पीकिंग ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो, ऐसी 1% भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी जिससे कि आदमी नपुंसक हो जाए। यानी कि अभी जितनी भी वैक्सीन है, इस तरह का कोई केस हमारे देश में कम से कम नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं आया है और नहीं आने वाला भी नहीं, ये तो सब भ्रम की बात है, ऐसे अफवाहों पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, लोगों के मन में, क्योंकि लोगों को डराने का काम खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लोगों को आसान होता है फंसाना, लोग नहीं, नहीं, देखो, जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। जी, ये जो वैक्सीन चीज आई है, ये तो एक बहुत अच्छी चीज आई है, तो ये तो लोगों को अवेल करनी चाहिए, दैट इज द ओनली होप फॉर दिस गेटिंग रिलीफ फ्रॉम दिस डिजीज। लेकिन सर, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरह की स्थिति है उसी को लेकर मैं थोड़ा और बातचीत करने की कोशिश करूंगा और इसको लेकर समझने की कोशिश करूंगा। एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। We'll be right back.
पंजाब विच हर दिन टीके लगवाउण दी समर्था वाले सरकारी टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकारी सेहत केंद्रा अते हस्पतालां विच हफ्ते दे सप्तो दिन बिल्कुल मुफ्त लगाया जा रहा है टीका। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्पुतनिक वी को इजाजत मिल चुकी है देश में और साथ में अब आज पहला उसका डोज भी लगाया जा चुका है। इसके बाद में लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही अब उनका भी वैक्सीनेशन का नंबर आने की उन्हें उम्मीद सताने लगे, उम्मीद उनको लगने लगी है। इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक बार और समझने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन मिल सके, इसके आपका अनुभव क्या कहता है कि सरकार को क्या तरीका अपनाना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को क्या तरीका अपनाना चाहिए? क्योंकि हरियाणा में तो हमने ये भी सुना है कि वहां पर जैसे कि पोलियो ड्रॉप लोगों तक पहुंचाई गई थी, उस तरीके का तरीका अपनाने की कोशिश हो रही है। नहीं, ये तो चलो अच्छी चीज है भी गाँव में जाके भी टीकाकरण कर रहे हैं हरियाणा में और लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, बट उसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत जरूरी है और लोगों को चाहिए भी वो अपने आप जहाँ पे जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं वहाँ पे आके लगवाएं तो बेटर रहेगा, ताकि वो उसकी एफिकेसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक चीज और हमने देखा कि शुरुआत में डॉक्टर साहब जब तस्वीरें आने लगी थी वैक्सीनेशन को लेकर, पहली शुरुआती चरण की हम बात करें तो वहां पर जब लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे थे तो उन्हें वहां पर आधा घंटा रखवाया जाता था, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता था। अब लोगों को ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा जा रहा है, क्या वजह इसकी नजर आती है सर? देखो ऐसे है, शुरू शुरू में जैसे होता है तो थोड़ा एहतियात तो बरतनी पड़ती है, अगर कोई रिएक्शन हो जाए कोई और, जैसे जैसे ये इतने लोगों को लगी और लगा के भी ये, हालांकि फिर भी अभी तो गाइडलाइन तो यही है, अभी आधा घंटा थोड़ा आप सेंटर पे रुको, देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको, पर जैसे जो ये आगे आगे बढ़ती गई लगती गई तो लोगों का डर और खत्म होता गया। शुरू में कुछ पहले 15-20 दिन जैसे जनवरी में 16 जनवरी से शुरू हुई तो उस टाइम लोगों को बहुत डर था भी मेरे को कोई रिएक्शन ना हो जाए कोई ऐसा, वो बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए उस टाइम लोगों ने ज़्यादा नहीं लगवाई और उस टाइम आधा घंटा और सेंटर पे अनिवार्य था। अब भी वैसे तो प्रेफरेबली लोगों को वेट करनी चाहिए, पर फिर भी अब इतनी लग चुकी है तो अब ज़्यादा लोगों के मन में बह नहीं रहा और ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट आए भी नहीं। हाँ, यही वजह है कि लोग पहले से ज़्यादा भारी संख्या में लोग बाहर निकल भी रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और साथ में सर एक सवाल और मेरा ये होगा कि जिस तरीके से जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं पहले से, मान कर चलिए किसी को कभी हेपेटाइटिस हुआ हो, कभी किसी को शुगर हुआ हो या कैंसर जैसी कोई समस्या हो, इस तरह के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि क्या उन लोगों को भी वैक्सीन उनके लिए सेफ है, क्या उनको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए? ये ऐसे डायबिटीज के पेशेंट को तो जरूर करवानी चाहिए, कि कैंसर के पेशेंट अगर कोई कीमोथेरेपी भी है तो कुछ दिन के लिए वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके कुछ दिन के बाद लगवा सकते हैं, और सर भी हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस सभी लोग इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। और साथ में जिन लोगों को मानकर चलिए कि हाल ही में कोरोना हुआ है उनको लेकर सर क्या कुछ निर्देश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है आपके निगरानी में, क्या कोई ऐसा संक्रमण का मामला सामने आया हो, जो संक्रमित हो उसको वैक्सीनेशन से कोई नुकसान हुआ हो और क्या निर्देश है इस पर? देखो जिसको कोरोना हो गया तो उसको कहते हैं भी 6 महीने तक प्रोटेक्शन रहती है और अब लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक उसको 6 महीने के बाद ही लगवाना चाहिए, पहले उसका टाइम 2 महीने 3-4 महीने रखा हुआ था, पर अब लेटेस्ट गाइडलाइन यही है भी 6 महीने के बाद लगवा सकता है कोरोना जिसको हुआ है और उसके अंदर 6 महीने तक एंटीबॉडीज की प्रोटेक्शन रहती है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरह की स्थिति देश में बाकी जगहों पर हमें देखने को मिल रही है, बाकी राज्यों की खासतौर से हम बात करें, कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया ये कहकर कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, क्या लग रहा है कि स्पुतनिक वी आने के बाद उन्हें मदद मिलेगी? देखो मदद तो मिलेगी, पर जितनी का ही है उससे कितनी की मदद मिलेगी ये तो अब टाइम के साथ पता लगेगा, पर सरकार को ये कोविशील्ड कोवैक्सीन और ये स्पुतनिक और बाकी जो वैक्सीन है इसकी मात्रा को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरवाल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आईएमए के अध्यक्ष अम्बाला हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये वैक्सीन हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी, किस तरीके से मदद मिलेगी। और अभी भी खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद बड़ी खबरों का रुख करते हैं।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बीच राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिली है। वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में काफी दिनों के बाद 24 घंटे में 8,500 से कम केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीते दिनों कई बच्चों के माता पिता की कोरोना के कारण मौत हो गई। ऐसे अनाथ बच्चों की परवरिश और पढ़ाई का खर्चा दिल्ली सरकार ही उठाएगी। उन्होंने कहा कि कई बुजुर्ग हैं जिनके जवान बच्चे चले गए, अब घर चलाने वाला और कमाने वाला कोई नहीं है, उन बुजुर्गों की दिल्ली सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, हमें कोरोना को जड़ से खत्म करना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में 10 दिन में 3,000 बेड्स खाली हो गए हैं, हालांकि आईसीयू बेड्स अभी भी भरे हुए हैं, 1,200 नए आईसीयू बेड्स बनकर तैयार हो रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों ने लॉकडाउन का पालन किया, इसलिए मामलों में कमी आई है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते महीने में कोरोना के कारण हालात काफी बदतर हो गए थे। हर दिन औसतन 25,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे थे। दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स ऑक्सीजन का संकट था। हालांकि लॉकडाउन लगने के बाद कुछ हद तक दिल्ली में हालत सुधरती नजर आ रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, बड़ी राहत देने का काम दिल्ली सरकार ने किया है, किस तरीके से लोगों की मदद के लिए ऐलान किया गया है और क्या कुछ ये पूरा ऐलान है, एक बार विस्तार से बताएं। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने बार बार कोशिश की थी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की गई थी कि कोरोना की महामारी चल रही है और वो लोग अपने घरों में रुके और इसीलिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन से कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार को फायदा भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो कोरोना की रफ्तार थी वो चेन जो थी वो टूटती नजर नहीं आ रही थी और दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी और यहाँ तक केंद्र सरकार से भी सहयोग मांगा जा रहा था, जनता से भी सहयोग मांगा जा रहा था, मगर अब वो चेन टूटती हुई नजर आ रही है। यानी कि लगभग कुछ दिनों के अंदर जो देखने को मिला है कि लगभग 25,000 से ज्यादा के केस थे और वो कहीं ना कहीं वो घटकर अब 8,500 के नीचे आ चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि इस चेन को तोड़ा जाए, मगर अब लगता है कि इस समय के अंदर ये चेन टूटती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने फिर स्पष्ट कहा
कि वो कहीं ना कहीं अभी भी कोई डील नहीं बरतेंगे और लगातार इस कोशिश को और जारी रखेंगे और लगातार कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से कोरोना से जो मरने वालों की संख्या है या फिर कहे जो लोग मरे हैं उनके लिए जरूर उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि किस तरीके से लोग मरे हैं और कहीं ना कहीं उसकी जो नुकसान है या फिर खामियाजा है वो कहीं ना कहीं परिवारों को भुगतना पड़ा है। जब बात करें चाहे जो परिजनों की या फिर कहें माता पिताओं की, जो जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, वो बच्चों के लिए भी कहा उन्होंने कि वो अपने आप को अनाथ ना समझे। मैं उन्होंने कहा कि मैं हूं ना उनकी मदद के लिए, उनकी पढ़ाई की खर्चे भी वही उठाएंगे। मगर देखना होगा कि ये सारी जानकारी कैसे जुटाएंगे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मरीजों की मरने की संख्या है वो बिल्कुल निरंतर बढ़ी हुई है और लगातार अभी भी 300 से ज्यादा लोगों के भी पर डे 24 घंटे के अंदर मौतें हो रही हैं। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो हैं, यानी कि उन्होंने कहा मैं हूं ना, मगर कोशिश जरूर यही है कि वो जनता को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मरने वाले हों या फिर जिनके परिवार के लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। मगर देखना होगा कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली सरकार उन परिवारों के लिए किस तरीके से साबित होगी या फिर उन परिवारों के साथ कैसे खड़ी हो पाएगी। मगर ये जरूर देखना होगा कि लगातार कहीं ना कहीं बच्चे अनाथ हुए हैं, क्योंकि कई माता पिता जो थे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में उनकी मौत हो गई और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं अब देखना होगा उनका भविष्य कैसे चलेगा। जी सरकार मदद की बात जो दिल्ली सरकार कर रही है, ये क्या जो सिर्फ दिल्ली के लोग हैं उनके लिए होगी या जो लोग बाकी राज्यों के लोग जो दिल्ली में रहते हैं और उन लोगों ने अपने लोगों को वहां पर किसी भी कारण कोरोना संक्रमण के चाहे इलाज के अभाव में उन्होंने दम तोड़ दिया हो या फिर संक्रमण के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से दम तोड़ दिया हो, तो क्या उन लोगों की भी मदद दिल्ली सरकार करेगी और क्या कोई आंकड़ा सरकार के पास है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने कहा जरूर है कि वो है ना, मगर कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट करती है इसके अंदर दिल्ली सरकार के पास शायद कितने बड़े आंकड़े हैं जो मरने वाले हैं कोरोना की वजह से। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार के जो पर डे के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक धरातल पर इतने बड़े साबित नहीं हो सकते कि दिल्ली सरकार उनको मदद कर पाए। मगर देखा है जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो हैं और उन परिवारों की मदद करेंगे, चाहे वो जो बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं उनकी मदद करेंगे या जो परिवार के लोग हैं जो कमाते थे, वो बुजुर्ग लोग जो जिनके बच्चों के सहारे से वो उनका गुजारा चलता था, अब उनकी वो मदद कैसे करेंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल ये होता है उनकी मदद कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है। और बात करें जो दिल्ली से बाहर के लोग थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर कोरोना की वजह से अपना दम तोड़ा है, यहां तक कि इलाज कराने के लिए आए हुए थे, उनकी मदद कैसे करेंगे, क्योंकि ये आंकड़े अभी शायद दिल्ली सरकार के पास नहीं है। और दिल्ली सरकार कोशिश जरूर करेगी मगर वो कोशिश कितनी कारगर होगी ये जरूर देखना होगा। मगर कोरोना की जो रफ्तार है अभी भी कहीं ना कहीं वो चेन इतनी हल्की नहीं हुई है जितनी दिल्ली सरकार को उपलब्धि हासिल करने की कोशिश करी है, क्योंकि अभी पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 8,500 केस जरूर आ चुके हैं मगर कहीं ना कहीं मरने वाले की स्थिति जरूर बढ़ी हुई है। मगर बात करें वेंटिलेटर बेडों की, तो जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो लगातार बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, मगर नॉर्मल बेड और आईसीयू बेड के अंदर दोनों के अंदर फर्क है और आईसीयू बेड अभी भी फुल है। मगर लगातार दिल्ली सरकार 12,500 के करीब आईसीयू बेड बनवा रही है और कहीं ना कहीं बन चुके हैं और वो अस्पतालों के अंदर उपलब्ध कराएगी, मगर कहीं ना कहीं इलाज के अंदर की बात करें तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक दिल्ली के अंदर वैक्सीन कहीं ना कहीं कम पड़ती नजर आ रही है। ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, बहुत तेजी के साथ हमने कोशिश की है दिल्ली ने लड़ने की, कोरोना से कोशिश की है, लेकिन तीसरी लहर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये दावा है कि जल्द ही तीसरी लहर आ सकती है, तो क्या दिल्ली सरकार इस तीसरी लहर को लेकर सचेत है, क्या इसको लेकर कोई कदम अभी से उठाए जा रहे हैं या फिर जब जो लड़ाई बिल्कुल सामने आ जाएगी सिर पर आ जाएगी तभी इसको लेकर कोई कदम उठाए जाएंगे? देखिए दिल्ली सरकार की बात माने तो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जरूर गया, यहां तक कि विशेषज्ञों की तरफ से भी कहा गया कि दिल्ली के अंदर दोबारा से तीसरी लहर आ सकती है, मगर कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार कितने बड़े कदम उठा सकती है, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार के जो दूसरी के जो क्या कहते हैं रफ्तार थी कोरोना की उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए बहुत लेट समय कदम उठाए गए और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की गई थी, जद्दोजहद की गई थी, यहां तक कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से भी सहयोग मांगा था, मगर कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों को बीच में जो तालमेल नहीं मिला था उसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा। मगर देखना होगा क्या तीसरी लहर के लिए दिल्ली सरकार कितनी तैयार होगी, अभी तक दिल्ली सरकार के पास ऐसा किसी की जुबान पर है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत देने का काम किया है लेकिन तीसरी लहर को लेकर सचेत होने की भी जरूरत है। रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में जेल के अंदर गैंगवार हुआ, इस दौरान दो गैंगस्टर के बीच जमकर गोलियां चली। इस दौरान
मुकीम उर्फ काला और मिराज अली की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं गोली मारने वाला गैंगस्टर अंशुल दीक्षित भी पुलिस कार्रवाई में मारा गया। जेल में गोलियां चलने की आवाज सुनकर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। जानकारी के मुताबिक चित्रकूट जेल में वेस्ट यूपी का गैंगस्टर मुकीम काला बंद था, वहीं एक दूसरा गैंगस्टर अंशुल दीक्षित भी इसी जेल में बंद था। आज दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगे। ताबड़तोड़ गोलियां चलने से जेल के अंदर हड़कंप मच गया। मौके पर अधिकारी पहुंचे, तब तक मुकीम काला की मौत हो चुकी थी। एक अन्य अपराधी मिराज की भी गोली लगने से मौत हो चुकी है। सूचना पर चित्रकूट डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। अंशुल लगातार गोलियां बरसाता रहा, उसे रोकने के लिए अधिकारियों ने चेतावनी दी। इसके बाद भी अंशुल छिपकर गोलियां चलाने लगा। जेल प्रशासन का कहना है कि अंशुल ने अन्य कैदियों को भी मारने की धमकी दी। तमाम प्रयास के बाद भी जब वो काबू में नहीं आया तो पुलिस को मजबूरन उस पर गोलियां चलानी पड़ी और इस दौरान कार्रवाई में वो भी मारा गया। तो वहीं जेल सूत्रों का कहना है कि जेल के अंदर ताबड़तोड़ कई दर्जन फायर किए गए। इतने ही नहीं, यहां पर भारी संख्या में असलाह, गोलियां और अन्य अवैध सामान बरामद हुआ है। पुलिस तलाशी अभियान चल रही है। और वहीं आपको यह भी बताते चले कि मुकीम पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश माना जाता था, खासतौर पर केराना में पलायन के मामलों में भी काला काफी सुर्खियों में रहा था। लगभग 9:30 बजे के करीब जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल गांव डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद की पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर दो बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण की बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं, फील्ड यूनिट यहाँ आ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा